तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मंजू दीदी और संजू दीदी यानी कि मेरी दोनों ननदें हैं और वो बैठी हुई हैं, और इसके बाद यहाँ पे लव भी बैठा हुआ था। तो जब हम लोग को जाना होता है तो हम लोग चले जाते हैं, और तो हम यहाँ पे ना दो लोगों को बिठा जाते हैं। तो यहाँ पे एक साइड सुरभि और एक साइड लव बैठे हुए हैं और दोनों की शैतानियाँ चल रही हैं। और इधर है ना मेरी बीच वाली ननद को शाम का वक्त हो गया था तो मेरे भांजे लेने आ गए थे, तो उनको जाना था तो वो फिर चली जाएंगी अपने घर। और क्योंकि है ना वो सुबह आते हैं और शाम को फिर दोनों चले जाते हैं, तो यहाँ पे मेरी बीच वाली नंद चली जाएंगी। और उनकी है ना जिठानी भी मिलने आई थी पापा जी से, तो गाइस पापा जी से सभी लोग मिलने आ रहे हैं क्योंकि आगरा में गाइस मेरी साइड से भी सभी लोकल हैं और मम्मी की साइड से भी, और तो सभी आगरा में लोकल रिलेशन है तो सभी मिलने आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी जो दीदी हैं मंजू दीदी, उनकी ननद है और उनके बेटे मिलने आए थे, और इसके बाद ये लोग घर चले गए थे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि पापा जी का आज है ना एक और उन्होंने टेस्ट करवाया है, मुझे अभी नॉलेज नहीं है कौन सा टेस्ट है, लेकिन पापा जी को माइंड का ही टेस्ट करवाया गया था और उसके बाद अभी रिपोर्ट नहीं आई है। टेस्ट में तो ठीक था लेकिन रिपोर्ट से पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि पापा जी को जो हेड पेन की प्रॉब्लम हो रही थी ना उससे ही उन्होंने बोला था कि उन्हें वो टेस्ट करवाना, तो वो करवा दिया गया है। अब देखो शंभुना सब कुछ ठीक ठाक ही करेंगे, माता रानी की कृपा से, चामर माता की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, बस यही। तो जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइज आज पता नहीं, मैं कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो हॉस्पिटल का जो खान। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि आज मेरी भतीजी डोलू को आ गया था बुखार, और सुबह वो लोग स्कूल चले गए थे, लेकिन बाद में स्कूल से मेरे भैया के पास फ़ोन आया कि तुम्हारी बेटी को है ना बुखार आ गया है। तो इस तरह से फिर भैया उसको स्कूल से लेकर फिर घर आए थे, और यहाँ घर आके फिर उसको भाभी ने दवा वगैरह पिला दी थी। और इसके बाद गाइज वो भाभी के साथ नहीं गई, वो बोली कि नहीं मुझे तो बुआ के साथ ही लेटना है। तो यहाँ गाइज वो मेरे से एकदम चिपक के ऐसे सूख गई थी, लेट गई थी, और काफ़ी उसको बुखार तेज था। और इसके बाद गाइज हम लोग वहाँ पे जाने वाले थे हॉस्पिटल, तो यहाँ पे मेरे भांजे आ गए थे लेने के लिए कि मामी को मैं लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आशू लेने आ गए थे। और इसके बाद गाइज हम लोग मैच और लव है ना, लव तो हॉस्पिटल में ही था, फिर वो भी भैया के साथ आ गया था तो मेरे को लेने आ गए, तो फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। तो गाइज आज मैं बता दूं, आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे है गाइज, तो पापा जी ने बोला था कि हम लोग है ना हॉस्पिटल में ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, चाहे जैसे भी हो यहाँ करेंगे। तो कभी सोचा नहीं था गाइज कि इस तरह से हॉस्पिटल में बर्थडे मनाएंगे, लेकिन पापा जी की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ा था, क्योंकि पापा जी की इच्छा थी कि नहीं बर्थडे तो उसका करेंगे हम, क्योंकि वैसे तो सब इतना कुछ नहीं करते, बस टीका ही वो हमारे यहाँ कर दिया जाता है और बाकी तो कोई इतना नहीं होता, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मंजू दीदी लेके आई थी मिठाई का डब्बा लेके आई थी गाइज, और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का तिलक कर दिया गया था, तो यहाँ पे ये प्लेट में रोली और चावल फिर मैं घर से लेके आ गई थी। और फिर यहाँ पे मेरे दादू है ना, देखिए पापा जी का लग कर देंगे तिलक, और काफ़ी खुश हो रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था गाइज अपनी फैमिली के साथ इस तरह से इंजॉय करना। सभी लोग जितने भी जो रूम में थे ना सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे कि देखो दादाजी की किस तरह से इच्छा पूरी कर रहे हैं। और दादाजी बस यही है कि पापा जी जल्दी से अच्छे हो जाएं, सब यही। इनको एक महीना पहले को छः सात पे जब तक वो छः सात का थी उन्यासी का है ले तो रहा हूँ।
खिला दो मिठाई। कितने सारे लोग स्वागत में आए हैं। तो गाइज मैं बता दूँ आपको, ये मेरे जेठ जी हैं जो कि पापा ने उनका तिलक किया, तो यानी कि मेरी जो सासू माँ के 5 बच्चे हैं, 2 बेटे 3 बेटियाँ। अभी हमारी फैमिली के कुछ सदस्य अभी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द वो भी हमारे साथ हो जाएंगे, तो हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी कि मेरे 2 भाई और 3 ननद हैं। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे मंजू दीदी ने भी मेरा तिलक किया था। इस तरह से हमने हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा लगा था गाइज, लेकिन इस तरह से कोई नहीं चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, समय का तो पता नहीं होता कि क्या कैसे कब, ये तो ईश्वर की ही मर्जी होती है। तो चलो ये चलिए गाइज, यहाँ पे लव का भी तिलक कर दिया गया है। और इस तरह से गाइज मम्मी खड़ी हैं पीछे, और पापा जी को अच्छा लग रहा था गाइज, काफ़ी खुश हो रहे थे। इमोशनल भी बहुत हो जाते हैं पापा जी, इमोशनल भी बहुत हुए थे। और यहाँ पे फिर मैंने सबकी नौचावर कर दी थी, जब तिलक करके हमारे यहाँ बहन बेटियों को दिया जाता है, जैसे भी कोई भी अच्छा प्रोग्राम होता है तो वो बहन बेटियों को नौशावर करके दिया जाता है, वैसे तो सभी के यहाँ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए पापा जी का भी तिलक कर दिया जाएगा। तो मैं बता दूँ गाइज आपको, पापा जी की आज एक और जांच हुई थी माइंड की, तो वो मेरे को भी पता नहीं कौन सी जांच है वो, लेकिन वो हो गई थी, लेकिन जांच तो ठीक आई है, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि पापा जी को है ना हेड पेन की प्रॉब्लम है ना, तो उसी के लिए है ना गाइस टेस्ट कराया गया है। देखते हैं टेस्ट में क्या आता है, सब कुछ ठीक होगा शंभुनाथ की कृपा से, माता रानी की कृपा से, हमारी कुल माता की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो यहाँ पे पापा जी कर रहे हैं लाड संजू मंजू दीदी को। तो गाइस मेरी वीडियो में सब कुछ रियल दिखाया जाता है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।